तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम आए हुए हैं एक माइक लेने, जो कि मेरा पुराना जो माइक था वो ख़राब हो चुका था। उसमें सिस्टम ये था कि हर बार बैटरी लगता था, और कहीं भी जाते थे तो बैटरी हमारा जो है वो ख़राब हो जाता था, ख़त्म हो जाता था, जिसके कारण हमारी ऑडियो की क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब हो जाती थी। इसलिए मैं आज चाह कि से आज जा रहा हूँ, मैं दूसरा माइक लूँगा नया। आप लोग का भी कमेंट आ रहा था कि आपकी ऑडियो क्वालिटी जो है वो सही नहीं है, थोड़ा उसे सुधारें। तो आज दोस्तों सैटरडे है और मैं सोचा कि आज जाकर अपने माइक को अपग्रेड करूंगा। तो अभी हम आए हुए महाकाली में, आप देख सकते हैं ये शॉप है महाकाली डिजिटल टेक का, जहाँ पे आप दोस्तों सेकेंड हैंड कैमरा भी ले सकते हैं, नया भी कैमरा ले सकते हैं, ड्रोन भी है और मोजा मिनी, ये सब सारे चीज इक्विपमेंट आपको, लाइट बैग्स, ये सारे चीज यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो चलिए, यहाँ पे भैया हैं ओनर, उनसे मैं बात करता हूँ और आपको बताता हूँ कि शॉप में क्या क्या है और आप किस तरह से यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, क्या फैसिलिटी है। तो हेलो भैया, पहले आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम आदित्य हुआ, मैं महाकाली डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको टोटली एसेसरीज हो गया, ड्रोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, मिनी एसएलआर हो गया, एसएलआरस हो गया, और ड्रोन वगैरह मिल जाएगा आपको। फिर जिम्बल वगैरह जो आपको सस्ते रेट पे मिल जाएगी, और सेकेंड हैंड कैमरा और न्यू कैमरा भी मिल जाएगी आपको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग से लेके वीडियोग्राफी तक का सारे जो इक्विपमेंट है वो आपको यहाँ पे उपलब्ध है। पहले भी आप अपने दुकान का एड्रेस बताइए क्या है। मेरा दुकान का एड्रेस हुआ गांधी मैदान गेट नंबर 9, आदर्शिला कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 61, सेकेंड फ्लोर। तो आप यहाँ पे आकर दोस्तों यहाँ पे परचेज कर सकते हैं और बहुत ही बेस्ट प्राइस में यहाँ पे आपको मिलेगा, और क्वालिटी से आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा क्वालिटी मिलेगा यहाँ पे। तो भैया से आज यहाँ पे कुछ देखेंगे कि इनके पास क्या क्या है ऐसा प्रोडक्ट, कुछ सस्ता से लेकर थोड़ा हाई तक का, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भैया पहले कुछ हमें दिखाइए कि क्या क्या है आपके पास सस्ता में। ठीक है सर, मेरे पास आपको कम से कम अगर कैमरे लेना चाहते हैं बेस्ट, तो आपको 15,000 प्लस एक्सपेंड करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको 1500 डी हो गया, 1300 डी हो गया, ये आपको वीडियो फोटो के लिए स्टार्टिंग रेंज का सबसे बेस्ट कैमरा हो गया। ये आपको 21,000 का आएगा विथ 1855 लेंस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है कैनन का 1300D, और ये जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्वालिटी भी इसका बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और ये आप एक बिगनर्स हैं तो आप इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी और मैं दूसरा भैया से मांगता हूँ। ये देखिए, ये 750 हो गया ब्लॉगिंग या वीडियो के लिए सबसे बेस्ट कैमरा हो गया स्टार्टिंग रेंज का। ये आपको आएगा वही 37 का, 750 निकॉन कैनन का। अच्छा, ये दोस्तों है 750D, जो कि 27 का आएगा। इसका भी क्वालिटी, 37 का सॉरी, आएगा। 37 आएगा इसमें। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, ये भी बहुत अच्छी है। और इसमें जो है इसका जो ये स्क्रीन जो है दोस्तों, ये फ्लिप है, तो आप ऐसे करके अपना आप वीडियो बना सकते हैं। तो नेक्स्ट कैमरा दिखाएंगे भैया। ये देखिए सर, प्रोफेशनल यूज के लिए कम दाम में सही सामान, ND2M। इसमें आपको 32 GB इंटरनल होगा, ये आपको आएगा वही 35 से लेके 40 के बीच में। 35 से लेकर 40 के बीच में। ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पैनासोनिक का है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्वालिटी भी अच्छा लग रहा है, देखने में भी खूबसूरत है। हाँ, थोड़ा पुराना है लेकिन ये अच्छा है। आप यहाँ पे आकर ये प्रोफेशनली वीडियोग्राफी के लिए आप ये कैमरा परचेज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट कैमरा और भैया सकते हैं। ये देखिए सर, ND1 हो गया, आपको कम रेट का आएगा, ये आपको 20 से लेके 25,000 के बीच में आएगा। अच्छा, ये ND1 है जो कि फुल HD कैमरा है। ये फुल HD कैमरा है पैनासोनिक का, और ये 20 से 25 के रेंज में आपको आ जाएगा। ये आपको पैनासोनिक PV100 है, ये आपको आएगा वही 60 से 70 के बीच में आएगा। अच्छा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है पैनासोनिक का PV100 है, और ये 60 से 70,000 के बीच में ये आएगा। और ये भी दोस्तों, इसका भी क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये एकदम प्रोफेशनल कैमरा है, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही लाइट वेट है दोस्तों, उतना भी ये वजन नहीं है, आप आराम से इससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कैमरा भी है।
ये आपको सोनी का 170 हो गया, ये आपको 85,000 का आएगा। अच्छा ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सोनी का 170 है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। और ये भी बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल कैमरा है। और ये 85,000 का पड़ेगा। इसका नया क्या प्राइस है भैया? ये नया आपको 1,85,000 का आएगा, 1,85,87 का आएगा आपको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका नया प्राइस जो है वो 1,80,000 के करीब आता है, जो कैमरा आपको यहाँ पे 85-90 के में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अच्छा ये कैमरा है, ज़्यादा यूजेस भी नहीं लग रहा है, और ये बाहर से देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। तो आप इसको यहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल वीडियोग्राफी करते हैं तो आप इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट कैमरा भैया, ये आपको सोनी का 1500 भी आएगा, ये आपको आएगा वही 35-40 के बीच में। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी सोनी का कैमरा है जो कि मॉडल नंबर क्या है, 1500P। आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल कैमरा है दोस्तों, और ये इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एक क्वालिटी होता है कि यहाँ पे माइक ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, और ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों। क्या प्राइस बताएंगे इसमें? 35-40 के बीच में। अच्छा 35-40 के बीच में ये कैमरा आप ले सकते हैं, जो कि आप इसको यूज कर सकते हैं। शादी विवाह पार्टी का वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए आप ये लेकर आप बहुत ही आसानी से आप अपने बिजनेस को या फिर कोई आप चैनल चलाते हैं तो उसको आप ग्रो कर सकते हैं और यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कैमरा भैया, ये आपको उसका अपग्रेड वर्जन है 2500P, ये आपको 50-60 के बीच में आएगा, ये आपको फुल्ली HD कैमरा हो गया। अच्छा तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पूरा पिछला कैमरा हमने दिखाया वो इसका अपग्रेडेड वर्जन है सोनी का। ये कौन सा मॉडल है भैया? 2500P आपको आएगा। ये 2500P है और ये फुल HD कैमरा है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा कैमरा है। आप देख सकते हैं इसमें तो अभी माइक यहाँ पे नहीं लगा हुआ, आप यहाँ पे माइक लगा सकते हैं। और बाकी अच्छा इसमें क्या क्या लगता है भैया? ये मेमोरी कार्ड से ही चलता है ये? हाँ ये मेमोरी कार्ड से भी चलता है, आपको इसमें 32GB इंटरनल होता है। अच्छा 32GB इसमें इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड यूज होता है इसमें। और इसमें कैसेट वैसेट वाला तो फैसिलिटी नहीं, नहीं है? कैसेट वाला कैमरा आपको आज से 10 साल पहले ही, तो वो फैसिलिटी, ये सारा अपग्रेडेड वर्जन है क्योंकि इसमें कैसेट वैसेट पहले जो रील वाला आता था कैसेट वो नहीं है। इसमें मेमोरी कार्ड लगाइए और मस्ती से रिकॉर्ड कीजिए और अपने बिजनेस को अपग्रेड कीजिए। तो नेक्स्ट कैमरा भैया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे तो बहुत सारे कैमरे ऐसे, मैं एक एक करके अगर दिखाऊं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि आप बोर फील हो जाएंगे हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ छोटा कैमरा भी दिखाया, कुछ बड़ा कैमरा भी दिखाया। बाकी आप इस शॉप पे विजिट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सारे तरह की जो भी वैरायटीयां हैं वो देखने को मिलेगी। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे DJI का मिनी AC जो है, ड्रोन भी है, मैविक एयर 2 भी है, मोजा मिनी का ये गिम्बल भी है, ठीक है। उधर देख सकते हैं रोनिक का भी AC है, ठीक है। इधर आप कैमरा देख सकते हैं दोस्तों, जो है 5600D है, 3500D है, 200D है, 1500D है और M50 भी है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा ये छोटा जो कैमरा रखा हुआ है, ये भी कैमरा जो है वो ब्लॉगिंग कैमरा है, वीडियोग्राफी कैमरा है। छोटा इधर आप देख सकते हैं हैंडी कैम भी है। तो आप अगर इस शॉप पे आएंगे तो यहाँ पे आकर आप जो है वो उस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। और बाकी आप देखेंगे तो इधर जो है ये बैग भी है, जो आप कैरी बैग अपने कैमरा को कैरी बैग कर सकते हैं। ट्राईपॉड है, लाइट्स है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों हर तरह की प्रोडक्ट वो मिलेगा जो आपको मतलब एक वीडियोग्राफी के लिए आवश्यक है, वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर जो है मेमोरी कार्ड्स भी है, बैटरी भी है, ठीक है। और इधर जो है बहुत तरह की मतलब एसेसरीज है जो कि दिखाना पॉसिबल नहीं है। आप आएंगे तो यहाँ पे आप बहुत ही आराम से आकर देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।